आज हम एक बार फिर रंगमंच और हिंदी फिल्मों के अज़ीम-उश्शान अदाकार नसीरुद्दीन शाह से मुखातिब है। आदाब हुजूर। आदाब जी सर, सब सुनने वालों को सवाल। शुक्रिया। आमतौर पर लोग समझते हैं कि हम अगर मुसलमान हैं तो हमारी जबान ही उर्दू होगी, तो हर मुसलमान को उर्दू आती है, ये गलत फहमी है ना? बिल्कुल, बहुत बड़ी गलत फहमी है और ये दूर होनी चाहिए। हालांकि इसके दूर होने का इम्कान नहीं मुझे नजर आता, वो तो मुसलमानों की जबान बनाई जा रही है जबरदस्ती और उस पर लगाम लगाए जा रहे हैं और खुदा मालूम वो कब तक जिंदा रह सकेगी कि नहीं। और ये एक अजीब आयरनी है कि एक ऐसी जबान जो इस मुल्क में पैदा हुई, जो इस मुल्क में पनपी और जिस दुनिया के सारे मुल्कों में से इसी मुल्क में बोली जाती है, उसको एक फॉरेन लैंग्वेज का दर्जा दिया जा रहा था। आज से तकरीबन 35 साल पहले आप एक टीवी सीरियल में मिर्जा गालिब शक्ल में नजर आए। वो दिन है और आज का दिन, जब भी गालिब की बात होती है तो चेहरा आपका ही उभरता है चेहरा, बिकॉज मिर्जा गालिब को तो किसी ने देखा नहीं है। मिर्जा गालिब उर्दू के अजीम शायर हैं, तो उर्दू अदब से आपका ये इश्क कब और कैसे शुरू हुआ और अब किस मकाम पर? इत्तेफाक से मिर्जा गालिब करते वक्त ही शुरू हुआ। अच्छा, जो आपने ये बात कही ना कि हरे मेरा चेहरा तसव्वुर करता है गालिब के बारे में सोच के, इत्तेफाक से मेरी शक्ल गालिब साहब से बिल्कुल नहीं मिलती। एक तस्वीर है उनकी जो मैंने कैफी साहब के घर में देखी है, काफी बुजुर्ग थे वो, बिल्कुल कहीं से नहीं मिलती। चौकोर चेहरा था उनका और काफी स्टर्न से वो लग रहे हैं उस तस्वीर में। बचपन में हम लोग अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा करते थे, 3 महीने की छुट्टियां हुआ करती थी और जिसमें हमें कुरान शरीफ अलग बेहतर सिखाया गया और कुरान शरीफ पढ़ाया गया, जिसमें हमें उस वक्त बिल्कुल मजा नहीं आता था। लेकिन कई आयतें कुरान शरीफ की जो मैंने मेरे ख्याल से 7 या 8 साल की उम्र में सीखी होंगी, अब तक मुझे याद है। और मुझे लगता है कि कुरान पढ़ने का फायदा मुझे मेरे तलफ्फुज़ में बहुत हुआ है और अलिफ बे से सीख लिया था, जो उर्दू मैंने एक साहब से पूछा कि उर्दू में अल्फाबेट को क्या कहते हैं, उन्होंने कहा अलिफ बे थे। मैंने कहा अलिफ बे थे तो बोले नहीं, तो अल्फाबेट और कहाँ से आता है, अल्फा बीटा एंड गामा। और लेकिन फिर स्कूल में हम जब थे तो ना उर्दू में कहीं किसी से बात होती थी, ना लिखने की रियाज होता था। अम्मी को खत लिखा ही करते थे क्योंकि उर्दू हमसे लिखी नहीं जाती थी, बाबा को खत लिखा करते थे, उनके जवाब आते थे बड़े मुख्तसर से टाइप किए हुए ऑफिशियल पेपर पे। और लेकिन उर्दू वो पहली जबान थी जो मेरे कानों में पड़ी और वो पहली जबान थी जो मैंने बोलनी सीखी। अब हमारे खानदान के लोग, मेरे नाना एक जमींदार थे, बहुत काफी ज्यादा रहमदिल नहीं थे वो, लेकिन वो और उनके जो साहबजादे थे जो मेरे मामू, वो बहुत ही अच्छी उर्दू बोला करते थे। मेरी अम्मी भी, बाबा भी और सारी खालाएं वगैरह, चाचा वगैरह जितने थे, तो सुनी बहुत पहले उर्दू, हालांकि बहुत ज्यादा महजब उर्दू नहीं होती थी वो। और फिर स्कूल में 11 साल पढ़ते अंग्रेजी बोल बोल के मैं बिल्कुल ही भूल गया, उर्दू से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। फिर मेरा अलीगढ़ जाना हुआ और पहली बार मैं ऐसे माहौल में रहा जहाँ उर्दू चारों तरफ बोली सुनाई देती थी और मुझे लगा कि ये जबान मैं बोल सकता हूँ। और मैं बोलने लगा पहली दफा, रवानी के साथ नहीं, लेकिन फिर भी बोलने, बातचीत होने लगी मेरी उर्दू से। पढ़ना लिखना मैंने तब भी इस पर मेहनत नहीं की। उसके बाद मैं फिर ड्रामा स्कूल गया 3 साल, फिल्म इंस्टीट्यूट गया। फिल्म इंस्टीट्यूट में ये खबर फैली कि गुलजार साहब मिर्जा गालिब पे फिल्म बना रहे हैं संजीव कुमार के साथ, क्योंकि संजीव कुमार साहब हमेशा गुलजार भाई के साथ
काम किया, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा ये तो गलत कष्ट कर रहे हैं, गुजर भाई ठीक नहीं कर रहे हैं।